जी गेट खुला चालू हो गया ना, बंद कर दे बंद हो गया गेट, गेट बंद कर दे लाइट भी बंद हो गया, गेट खुला लाइट ऑन हो गया। तो सिस्टम यही है, ऐसे सिस्टम हमारे घर में लगाना चाहिए। ऐसे क्यों लगाना चाहिए वीडियो में हम पूरा दिखाएंगे, फिर देखिए लगाने दिल करता है या ना करता है। बहुत समय बाद लड़की पे गाना, गाड़ी और दारू नहीं दिखाना, सड़क की तरीका है खाने का जेब में फटी पड़ी। अरे क्या हुआ, गिर गया क्या? तूने टैली हाँ पर तूने ले ली, अब जो मेरे साथ है वो है तेरी सहेली, पड़ेगी अकेली जब तब थोड़ा सोच ले। ऐसे कोई भी गिर सकता है। ऐसे गेट खुलने के आने के बाद ऐसे स्विच ढूंढना, ये बहुत पुराने जमाने का सिस्टम है। तो हम लोग है नया जमाना का है ना, तो इसीलिए आप आगे पूरा नया जमाना है ना, तो इसीलिए ये सब सिस्टम बेकार का सिस्टम चलेगा नहीं और हमें चाहिए भी नहीं ऐसा सिस्टम। इसीलिए सिर्फ 30 रुपये का अंदर डिवाइस लेके आए, इसको गेट में लगा देंगे, गेट खुलने के बाद स्विच ढूंढना नहीं पड़ेगा, गेट खुलने के बाद ही हमारा अपने आप लाइट जल जाएगा, गेट बंद करने के बाद ऑफ हो जाएगा, है ना, कितना आसान सिस्टम है, वो भी 30 रुपये के अंदर। सोच सकते हो सिर्फ 30 रुपये के अंदर बनाएंगे। तो ये जुगाड़ हमारा देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा, आप भी घर में बना सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और ये हम लोकल मार्केट से लिए थे। और ये फ्रिज का डोर स्विच है, और ये फ्रिज रिपेयरिंग शॉप में आसानी से मिल जाएगा। और ये पीवीसी पाइप का एक सीट ले लिया, और ये सीट में एक होल करेंगे इसको बैठाने के लिए, इस जगह में बैठ जाएगा आराम से। इसका लोड कैपेसिटी 25 वाट। ये स्विच ऐसे रहेगा तो ऑन रहेगा, इससे अगर दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से जब दब जाएगा स्विच तो हमारा लाइट ऑफ होगा। ऐसे और एक पीस सीट बना लेंगे, और ये सीट रेडी हो गया। और इस सीट का चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा किया तो ही अच्छे से सेट होगा। ये दोनों सीट को फेविकोल से चिपका लेंगे, और इसे निकाल के और भी अच्छे से फेविकोल से चिपका लेंगे। इसमें कलर कर लेंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब इसमें कनेक्शन करने के लिए वायर्स होल्डिंग कर लेंगे। ये स्विच ऐसे रहेगा जलेगा, और इसको दबा देंगे तो हमारा लाइट ऑफ हो जाएगा, और इसे छोड़ देंगे तो लाइट ऑन हो जाएगा। और एक स्विच जैसे कनेक्शन होता है, ये भी वही स्विच के जैसे कनेक्शन होगा, क्योंकि ये भी एक स्विच जैसे ही है। फिर भी इसका डायग्राम दे दिया। अब ऐसे गेट में इस जगह में इसको सेट कर लेंगे, और स्क्रू की मदद से इसमें लगा लेंगे। इस वायर को ब्लू गम से चिपका चिपका के लेके जाएंगे। गेट बनाने के टाइम अगर हम ऐसे सोचे होते, बाहर से वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, गेट के अंदर ही वायरिंग हो जाता, उससे बाहर वायरिंग नहीं दिखता था, देखने में बहुत खूबसूरत लगता था उस टाइम। और हम ए वाला होल्डर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम कनेक्शन को कर लेंगे। यहाँ से एक न्यूट्रल लाइन और एक लाइव लाइन निकाल लेंगे। You better turn around. Be the first to try to burn me down. You're blue, you too. Would you love me?